Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. सर कैब बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ हाफ एन आवर से मिल ही नहीं रही. आई एम ट्राइंग टू बुक माई कैब फ्रॉम लास्ट 20 मिनट्स एंड ट्राइंग ऑल ऑफ द एप्स. ओला ना उबर ना रैपिडो नथिंग. बुक होता है कैंसिल होता है, बुक होता है कैंसिल होता है. हेलो 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 हेलो, क्रिप्टो क्रांति के ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है. मैं हूँ अंकित और आज हम बैंगलोर की सड़कों पे हैं. क्यों? क्योंकि किसी भी ऐप के ऊपर रिक्शा टैक्सी ढूंढना बैंगलोर में इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल. नाम का तो सिलिकॉन वैली है लेकिन कोई कैब अगर नहीं मिल रही तो ऑब्वियसली ऑफिस पहुंचने में जो दिक्कत होती है, जो टाइम वेस्ट होता है, जो प्रोडक्टिविटी लॉस होता है, उसके पैसे कौन भरेगा भाई? फॉर्चुनेटली ब्लॉकचेन और क्रिप्टो क्रांति में इसका सोल्यूशन सोचा जा रहा है. ड्राइव नाम की कंपनी ओला उबर जैसे दिग्गजों को चैलेंज करने की कोशिश कर रही है और इसके फाउंडर्स पूरी तरह से मेड इन इंडिया है. आइए जानते हैं आज इनकी कहानी बाय स्पीकिंग टू द को फाउंडर एंड सीईओ फिरदौस शेख. Alright, फिरदौस फाइनली मिल गई है एंड इनसे मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा. मैंने बहुत रिहर्स किया है ये लाइन कि फिरदौस किसका है कि बैंगलोर में हमें कैब नहीं मिलती है. आई थिंक मेरा दोष नहीं है. कौन है कसूरवार इसमें? ये मुझे पता है कि मेरा दोष नहीं है, बट एटलीस्ट फ्रॉम माय रिसर्च जो मुझे पता है कि बिफोर कोविड हमारे पास 100,000 ड्राइवर थे बैंगलोर में, हुवर कैब ड्राइवर्स, लेकिन आफ्टर कोविड वी ओनली हैव 35,000 ड्राइवर्स और that's a huge loss. That's a bigger problem that we are facing. Next problem is ki sare drivers airport pe hote hain aur airport se wapas city aana in Bangalore is a very costly thing. You know, and airport bahut dur hai. Bangalore airport is like another city we call. Ki wahan se wapas aana is like a struggle. To fir to jaise aap bata rahi thi ki airport se yahan aane mein kafi waqt lag jata hai and taxi drivers ki jo matra hai wo almost 1/3 kam ho gayi hai. एंड बैंगलोर जैसे शहर में जब सारे रिटर्न टू ऑफिस कर रहे हैं, सारी कंपनियां, लोग मतलब अपने गांव शहर छोड़ के वापस बैंगलोर आ रहे हैं नौकरी रखने के लिए, बिकॉज़ कंपनीज हैव बिकम वेरी ब्रूटल, दे आर लाइक वापस आ जाओ वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी टाइप्स. सो इसका कोई सलूशन नहीं है. सलूशन है, हमें वापस ड्राइवर्स को लाना पड़ेगा. एंड हाउ डू यू ब्रिंग देम बैक इज अ क्वेश्चन, क्योंकि अनलेस एंड अंटिल दे सी एन अल्टरनेटिव जो कि ज्यादा वायबल है मेरे लिए. मैं वापस क्यों गया था? क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं किया गया. मैं किस वजह से वापस आऊं, यू नो, क्योंकि सबने अपनी गाड़ियां बेच दी थी, उनके पास पैसे नहीं थे ईएमआई भरने के लिए, तो उन्होंने गाड़ी वाड़ी बेच के वापस चले गए. तो अब जब उनको वापस लाना है तो यू हैव टू गिव देम व्हीकल आल्सो, यू नो, उनको फाइनेंसिंग हेल्प कौन करेगा? और अगेन जब हम भी इस बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं कि क्या वापस पेट्रोल डीजल गाड़ी लाना इतना सस्टेनेबल भी नहीं है. ओके, आई वांट टू ज़ूम आउट एंड लेट्स टॉक अबाउट ड्राइव. ओला उबर के डुओपोली में, या ओला उबर किसी जमाने में मेरू भी हुआ करता था, तो इस मार्केट इकोसिस्टम में क्यों सोचा आपने कि एक नई, एक और राइड हेलिंग सर्विस, टैक्सी हेलिंग सर्विस की जरूरत है? एंड ब्लॉकचेन पे बेस्ड राइड हेलिंग सर्विस ड्राइव, जो आपका की यूएसपी या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, इसको लाने की क्यों सोची आपने और आपके कोफाउंडर्स ने? सो अगेन मेरे लिए पर्सनल जर्नी रही है ड्राइव की. यू नो, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, वेरी फ्यू पीपल नो दैट कि आई कम फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड. आपको तो इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए था. इन्फ्लुएंसर बनना है, अपने नाम के पहले सीए लगाते हैं, तो सीए फिरदौस शेख, आप तो बड़ी इन्फ्लुएंसर बन सकती थी. यस, शायद. तो आई लेफ्ट माई होम, आई वॉज 16, तो 16 साल की उम्र में मैं छत्तीसगढ़ से आती हूँ, छत्तीसगढ़ इन इंडिया. मैं दिल्ली गई पढ़ाई करने के लिए और आई वॉज ऑलवेज वेरी स्केयर्ड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो उसी साल पे उबर एंड ओला लॉन्च्ड इन इंडिया, सो दे बिकेम माय फेवरेट, यू नो, टू ट्रैवल. मेरे को कन्वीनियंस चाहिए थी, घर पे गाड़ी आ जाती थी मुझे लेने, एंड मैंने 5,000 से ज्यादा राइड की सिर्फ उबर के साथ. सो दैट्स द ओनली वे आई कम्यूट. एज अ राइडर मुझे हमेशा से पता था कि प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे वो मुझसे ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, कब डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं, किस किस वजह से वो मुझसे डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं, लेकिन वो मेरे लिए कभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि मुझे गाड़ी चाहिए थी. करेक्ट. After my life in Delhi for 5 years, मैं बैंगलोर आई, एंड बैंगलोर अगेन, यू नो, इट्स वेरी कॉस्टली एज कम्पेयर, और बहुत टाइम लगता है ट्रैफिक में. एक दिन आई यूज टू स्टे इन इलेक्ट्रॉनिक सिटी, और इलेक्ट्रॉनिक सिटी से एयरपोर्ट जाना इज द लॉन्गेस्ट राइड इन बैंगलोर. सो इट वॉज अ मिड नाइट ट्रिप फॉर मी. एज सून एज आई गॉट इन टू द कैब, ड्राइवर सेट की मैडम कैब कैंसिल कर दो, मैं आपको एयरपोर्ट ले जाऊंगा, मुझे 100 रुपए कम दे देना. सो आई वॉज लाइक स्केयर्ड ऑल्सो कि भाई रात के 12 बजे आप मेरे को बोल रहे हो कि कैंसिल कर दो, 100 रुपए कम दे देना, प्रॉब्लम क्या है, यू नो, माजरा क्या है. तो देन ही टोल्ड मी कि मुझे आज भी याद है, इट वाज अ 1500 रुपीस राइड,
उसने कहा कि मुझे इसे सिर्फ 750 रुपए मिलेंगे, एंड दैट वाज अ बिग शॉक फॉर मी। 1,500 रुपए जो डेढ़ हजार में करता है, ड्राइवर को सिर्फ आधी कीमत मिल रही है। हाँ, और स्पेसिफिकली क्योंकि वो एयरपोर्ट राइड थी, एयरपोर्ट राइड प्रीमियम राइड होती है और उस पर वो ज्यादा कमीशन चार्ज करते थे। लेकिन जब उस ड्राइवर ने मुझे स्टोरी बताई, कह रहा है कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल है, मैं पहले पहले 7-8 घंटे काम करता था, अब मैं 16 घंटे भी काम करता हूँ तो उसे मेरी गाड़ी का ईएमआई निकलता है। एंड दैट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी। उसके बाद आई डोंट नो व्हाई दिस प्रॉब्लम गॉट स्टक इन माय हेड। ये कौन से साल में था? दिस हैपेंड इन 2018। तो आप बता रही हैं कि ओला उबर उस इकोसिस्टम में 2018 के करीब लगभग 50% कमीशन चार्ज कर रही थी प्रीमियम राइड्स के लिए। प्रीमियम राइड्स के लिए, यस। तो मिनिमम इज 20%, कैन गो एज हाई एज 30-40-50 एट टाइम्स। द प्रॉब्लम इज एज अ ड्राइवर आप कभी पता ही नहीं कर पाते कि आपका फेयर कितना था राइड का और आपको मिला कितना। एक ड्राइवर को कभी पता ही नहीं होता कि फेयर कितना है, ओनली जब आपकी कैश राइड होती है वो आपसे कैश कलेक्ट कर रहा होता है। उसको रियल वैल्यू पता ही नहीं होती है। तो आई, मेरे पास बहुत सारे ड्राइवर से बात करने के बाद, आई वेंट टू माय कलीग हु इज माय को-फाउंडर सूर्या आल्सो। मैंने कहा यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम है कि इतने बड़े बड़े लोग, इतने यू नो बिलियन डॉलर कंपनीज है, अगर इनका ड्राइवर इज स्ट्रगलिंग सो हार्ड, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, देयर इज समथिंग दैट हैज टेरिबली गॉन रॉन्ग, क्योंकि वो तो परेशान है एंड इतना कमीशन क्यों है। बहुत बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि इतना ज्यादा कमीशन क्यों है, बिना कमीशन के कुछ नहीं क्यों हो सकता। एंड दैट्स व्हेन ही सेड कि व्हाई आर यू वेटिंग फॉर समवन एल्स, व्हाई डोंट यू डू इट। क्या बात है। एंड मेरे लिए उस समय आई हैड नो आइडिया ऑफ हाउ टू डू इट ऑन ब्लॉकचेन और इवन हाउ टू डू इट बिकॉज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू नो, कोर फाइनेंस बैकग्राउंड। बट मेरे को एक चीज पता था कि ये प्रॉब्लम शायद सिर्फ मुझे दिख रही है, अभी लोगों को इतनी दिख नहीं रही है। वी ऑल नो अबाउट दिस प्रॉब्लम नाउ इन 2022 और 2021। आई सॉ इट बैक इन 2018 एंड आई सेड कि अगर ये आज मैं नहीं करूंगी तो कल कोई और जरूर करेगा और मुझे रिग्रेट नहीं करना है। तो इट वॉज फॉर मी दैट वन करेजियस स्टेप। एज लाइक पता था कि ये बहुत बड़ा चैलेंज, यू नो, इतने बड़े प्लेयर के अगेंस्ट जाके खड़ा होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड दैट्स व्हेन ब्लॉकचेन केम इनटू प्लेस कि ब्लॉकचेन से मैं ट्रांसपेरेंसी लेके आऊंगी इन दिस इकोसिस्टम जहां पे ट्रांसपेरेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये कैसे ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम अ सीए जिनको राइड हेलिंग कंपनी या टैक्सी कंपनी कैसे बनानी है ये भी नहीं पता, ब्लॉकचेन के बारे में शायद नहीं पता था, तो ये कहां से पता चला कि देखिए ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी बैकएंड हो सकती है जिसमें एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट इम्यूटेबल, जो दिखता है वही मिलता है वही बिकता है, ये कैसे फिर डिसाइड किया कि ब्लॉकचेन बैकएंड होना चाहिए? तो उस समय जब मैंने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करने शुरू की सूर्या के साथ, तो सूर्या बिकॉज उस समय आई वाज विद अ हेज फंड कंपनी, तो सूर्या वाज आल्सो लुकिंग इनटू हेज फंड में ब्लॉकचेन का इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा। सो ही वाज रिसर्चिंग देयर, और अगर आप अर्ली बुक्स ऑफ ब्लॉकचेन पढ़ोगे तो वहां पे हमेशा लिखा होता है कि उबर और ब्लॉकचेन इज वन ऑफ द बेस्ट यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन। तब उसने कहा कि बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बात की है कि अगर उबर को ब्लॉकचेन में डाल दिया जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, थर्ड पार्टी को निकाल दिया जाए, ड्राइवर और राइडर को डायरेक्टली कनेक्ट कर दो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये दो वैल्यू क्रिएटर्स है जो कनेक्टेड है और इनको व्हेन दे आर शेयरिंग वैल्यू दे शुड ऑल्सो शेयर रिवॉर्ड। बहुत बेसिक सी चीज लिखी हुई है। तब हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया, बट हमने ये भी देखा कि जिन्होंने भी ट्राई किया वो व्हाइट पेपर के आगे कभी गए नहीं। तो इट वॉज अ डिफिकल्ट जर्नी बिकॉज मेको और सूर्या दोनों फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हैं, हमें नहीं पता था ये कैसे करना है। हमें पता था कि ये विजन है, ये अचीव करना है, और फिर हम लोगों से बात करने लगे इस विजन के बारे में। बहुत कम लोगों ने हम पे बोला कि हाँ ये हो सकता है, एवरीबडी एल्स लाफ्ड आउट कि भाई तुम यू आर वे टू क्रेजी टू इवन थिंक अबाउट दिस। तो एंड देन वी गॉट मुदित हुज़ अ सीटीओ, ही एक्चुअली जॉइंड अस इनिशियली एज अ डेवलपर, ब्लॉकचेन डेवलपर। एंड देन थ्री ऑफ अस स्टार्टेड, यू नो, मतलब बहुत महीनों तक तो हम सिर्फ इस पर बात ही करते थे कि होगा कैसे अगर होगा भी, तो क्योंकि सिर्फ ऊबर को ब्लॉकचेन में डालना सोल्यूशन नहीं था। फिर पूरी वैल्यू चेन, एग्जैक्टली, इट वाज मोस्टली अबाउट, यू नो, पूरा बिजनेस मॉडल अपसाइड डाउन करना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली था कि हमारा प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए फेयर में जो एक राइडर पे करता है। क्योंकि जिस दिन आपका किसी भी चीज में प्रॉफिट मोटिव होता है, आप शुरू में फेयर होंगे, फिर आप उसको मैनिपुलेट करोगे अपने प्रॉफिट मोटिव पे, फिर एक्सप्लॉइट करोगे, और यही हुआ है। Correct. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो आप कैसे करोगे ताकि एक ड्राइवर और राइडर के लिए ट्रांसपेरेंट है और फेयर भी है। Understood. लेकिन प्रॉफिट मोटिव अगर नहीं है, एंड ऑफ द डे तो आप बिजनेस चला रही हैं, ये चैरिटी नहीं है, ये एनजीओ नहीं है, ये कोई ट्रस्ट फंड नहीं है, तो फिर ड्राइव ओला या उबर के मुकाबले कैसे पैसे कमाता है, आपका मोनेटाइजेशन कैसे होता है? तो हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे काम करते हैं, लाइक अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स, यू नो, वो आपको सारी मूवीज देते हैं बट आप प्लेटफॉर्म के लिए पैसे देते हो। तो सिमिलरली ड्राइव में ड्राइवर प्लेटफॉर्म के लिए फीस देता है कि मेरे को प्लेटफॉर्म एक्सेस के लिए मैंने पैसे दिए, उसके बाद मैं जो भी राइड करूंगा वो पैसे मुझे बिलोंग करती है। सिमिलरली इन फ्यूचर विल हैव सब्सक्रिप्शन फॉर राइडर्स व्हिच गिव्स यू एक्सेस टू प्रीमियम फीचर्स ऑफ द ऐप। Also, यानी कि मतलब कोई कैंसिल ना करे कैब, और अगर मैं बुक exactly, करना चाहूँ तो guaranteed ride आज की तारीख में अगले एक घंटे में मिल जाएगी मुझे राइड, जो यहाँ पे बैंगलोर में किसी चीज की गारंटी तो होती नहीं है बाकी प्लेटफॉर्म्स पे। बट सब्सक्रिप्शन की आपने बात की, ये तो एक आप पूरी तरह से बिहेवियर चेंज कर रहे हो ड्राइवर्स के लिए भी,
तो कितनी तैयारी और कैसा रिसेप्शन रहा है ड्राइवर्स का सब्सक्रिप्शन के लिए, और क्या अगर आप अंदाजा दे सकते हो क्या अमाउंट होता है ये सब्सक्रिप्शन का, एंड हाउ विलिंग आर दे? सो अगेन, ड्राइव एज एन एप्लीकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है विच इज ऑब्वियसली अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड योर फ्रीडम टू चूज, विच इज स्पेसिफिकली समथिंग जो कि नहीं है अवेलेबल आज की डेट पे. आप ओला उबर में अपना पिकअप ड्रॉप लोकेशन डालते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते. दे टेल यू हाउ मच यू शुड पे, दे असाइन यू अ ड्राइवर. ड्राइव में जब आप राइड रिक्वेस्ट करते हो आप अपना फेयर बढ़ा सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो आप कितना देना चाहते हो. और ड्राइव एज एन एप्लीकेशन आपको ऑप्शन देता है ड्राइवर्स का विथ कि कितना ड्राइवर आपसे चार्ज करना चाहता है. डिफरेंट ड्राइवर्स कैन चार्ज यू डिफरेंटली एंड यू एज अ यूजर डिसाइड कि आपको क्या चाहिए. मेरा प्रेफरेंस फेयर हो सकता है, टाइम हो सकता है, रेटिंग भी हो सकता है ड्राइवर का. बट ड्राइवर साइड में ये ऑप्शन जहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स दिखती है राइड की, कितने पैसे मिलेंगे आपको, फेयर कितना है, कहाँ जा रहे हो, कितना टाइम पिकअप पे लगेगा, कितना ड्रॉप पे लगेगा, और आप कितना ऑफर करना चाहते हो, क्या आप डिस्काउंट देना चाहते हो या प्रीमियम चार्ज करना चाहते हो. ये जो एक फीचर है ये प्रीमियम फीचर है जो सिर्फ सब्सक्रिप्शन पे आता है. फ्री ट्रायल में हम देते हैं, फ्री ट्रायल के बाद वी स्टॉप इट. तो ये अपने आप में इतना पावरफुल टूल है कि ड्राइवर सिर्फ इस फीचर के लिए सब्सक्रिप्शन देने को रेडी है. कितने ड्राइवर्स हैं अभी ड्राइव पे एक्टिव और कितने शहरों में हैं ड्राइव एक्टिव इंडिया में? ड्राइव इज ओनली एक्टिव इन बैंगलोर इन इंडिया. हम एक ही शहर में अभी तक वी हैव रजिस्टर्ड अराउंड 20,000 ड्राइवर्स हमने रजिस्टर कर लिए बैंगलोर में. Of which we have around 10 to 12,000 active drivers in a month. Like last month we had, you know, 12,000 drivers jo active the platform mein. Wow, ek second. Aur aap bata rahi thi mujhe shuruaat mein ki Bangalore shahar mein aaj ki tarikh mein 30,000-35,000 cab drivers hain. Isme se kitne saal pehle launch hua hai drive? Drive humne November 2021 mein pilot launch kiya tha. Humne 25 drivers se start kiya tha. And in June, July we started scaling. So in last 3-4 months we have onboarded most. Till April we had only 1,000 drivers because we were also testing a lot about drive. So 6-8 महीने में आप already 1/3 of the market penetrate कर चुके हो जो ride hailing या cab hailing services हैं. तो in a way अब एक समतोल हो गया है market की, Ola, Uber और drive 30-33% के किस्म का market penetration है आपके पास. Yes. That is phenomenal. Congratulations. और ये मॉडल इंडिया के बाकी शहरों में कब जाने का प्लान है, उसका स्केलिंग अप का क्या प्लान है? और मैं कहीं पढ़ रहा था किसी न्यूज आर्टिकल में कि आप सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि फिलहाल आप ये इंटरव्यू दुबई में बैठ के कर रहे हो. तो इज दैट ऑलरेडी द प्लान कि दुबई या किसी और देश में भी ड्राइव को ले जाना है? तो अनदर यूनिक थिंग अबाउट ड्राइव इज कि हम पहली बार ऑपरेशन डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम ड्राइव को ऑपरेशन नहीं रन करेंगे. बैंगलोर एक इज द ओनली सिटी जहां पे ड्राइव विल बी ऑपरेटेड बाय अस, बिकॉज़ वी बिलीव कि बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, बीट इंडिविजुअल टैक्सी यूनियंस, कॉर्पोरेट एग्जिस्टिंग राइड शेयरिंग कंपनी और गवर्नमेंट बॉडीज बहुत एफिशिएंटली राइड शेयरिंग कंपनी चला सकती है. लोग सिटी लेवल पे क्यों ऐप नहीं बनाते, क्योंकि एक्सपेंसिव ऐप बनाना. वैसे कि हमने अगर ये बना दिया तो वी कैन एक्चुअली लेट पीपल ऑपरेट इट. एंड ड्राइव वर्क्स ऑन अ फ्रेंचाइजी मॉडल, विच मीन्स कि अगर आपको कल मुंबई में ड्राइव रन करना है आप अप्लाई कर सकते हो एंड वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टेक और आप ऑपरेशंस रन करेंगे ड्राइव का. तो या तो अभी तक वी हैव लाइक मोर देन 70 रिक्वेस्ट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब. वी हैव लाइक 30 प्लस सिटीज जिनके लिए हमें रिक्वेस्ट मिली है सिर्फ इंडिया से, एंड अदर सिटीज आर लाइक अक्रॉस द ग्लोब जहां से हमें रिक्वेस्ट आएंगे ड्राइव स्टार्ट करने के. किस किस्म के कौन से शहर हैं ये? इंडिया में तो लाइक यू नो दिल्ली, मुंबई, पुणे, वी आर आल्सो स्पीकिंग सम गवर्नमेंट बॉडीज. जैसे यू नो गोवा में ओला उबर नहीं चलती. क्यों नहीं चलती? क्योंकि टैक्सी यूनियन में यू नो ये है कि हमें कंट्रोल नहीं फील करना. बट ड्राइव आपको एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड देता है कि आप ऐप यूज करो, पूरे पैसे आपके पास ही रहेंगे. सो वैसे कन्वर्सेशन भी हम कर रहे हैं. उसके अलावा इंडिया के बाहर भी, जैसे कि पेरिस में सेम सिचुएशन है. यू नो दे हैव अ लॉट ऑफ अगेंस्ट उबर, दे डोंट वांट टू डू इट, कि हमें अपना ऐप चाहिए. लाइक ठीक है हम आपको ऐप देंगे आप चलाओ. तो उसके अलावा वी हैव न्यूयॉर्क से रिक्वेस्ट है, टर्की से रिक्वेस्ट है. सो वी हैव लॉट ऑफ रिक्वेस्ट. ड्राइव का जो मॉडल है ये आप हवाई जहाज को भी अप्लाई कर सकते हैं. Yes. आप एयरलाइंस को डिसरप्ट कर सकती हैं, आप एक्चुअल जहाज वाटर वेसल्स उनको डिसरप्ट कर सकती हैं, आप बसेस, इंटरस्टेट इंटरसिटी बसेस, ट्रेन्स, मतलब जहां भी मोबिलिटी है ड्राइव का कॉन्सेप्ट ये तमाम चीजों को डिसरप्ट करने की क्षमता. एग्जैक्टली, जब हमने शुरू किया था तो हमें पता था कि हम राइड शेयरिंग स्पेस में कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम थ्रू आउट मोबिलिटी में एग्जिस्ट करती है. और द लॉन्ग बिगर विजन दैट वी हैव इज कि डिसेंट्रलाइज द मोबिलिटी स्पेस एज अ होल. And we have also got requests जहाँ पे लोग कहते हैं कि मुझे logistics space में करना है drive वाला model, मुझे food delivery space में करना है, आप हमारी help करेंगे क्या, कैसे कर सकते. तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं कि वो कैसे कर सकते हैं, जहाँ पे मैं necessarily नहीं चाहती कि सब कुछ मैं बनाऊँ. हमारा वो बोलेंगे कि अगर लोग interested है तो we will help you through that journey, क्योंकि हमने ये बना दिया है,
हमने बना दिया, ये चल रहा है, तो ये पूरी की पूरी मोबिलिटी इंडस्ट्री में चलेगा, ये सोल्यूशन है. जैसे डिसेंट्रलाइजेशन क्रिप्टो करेंसी में फाइनेंशियल सिस्टम का सोल्यूशन है कि क्यों बैंकिंग सिस्टम एग्जिस्ट करे. सिमिलरली ड्राइव इज द सोल्यूशन कि डिसेंट्रलाइजेशन क्यों होना चाहिए राइड शेयरिंग स्पेस में. क्वेश्चन, सेंट्रलाइज जो प्लेटफॉर्म होता है ओला उबर हो, सेंट्रलाइजेशन के कई सारे फायदे भी होते हैं, ढेर सारे फायदे होते हैं, राइट? सीमलेसनेस ऑफ पेमेंट्स, सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है सेफ्टी सिक्योरिटी. तो इसमें क्या हो जाता है, क्योंकि सब कुछ डिसेंट्रलाइज है, लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए ड्राइवर के साथ, तो फिर सपोर्ट कौन देगा? हाँ, सो अगेन जब हमने ये डिसेंट्रलाइज ऑपरेशन मॉडल सोचा, ये इसीलिए सोचा कि लोकल, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियां इन्वॉल्व है, लोग इन्वॉल्व है, रोड इन्वॉल्व है, दिस आर द थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. इससे रिस्की कुछ नहीं हो सकता. पीपल इन द रोड इन द कार, इससे रिस्की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है रियल वर्ल्ड में एज ऑफ नाउ. मोबिलिटी स्पेस में जब ये होता है, वी नीड लोकल सपोर्ट इन प्लेस. जैसे ब्लॉकचेन में नोड होती है जो रन करती है, पूरा ब्लॉकचेन उसको सपोर्ट करता है, सिमिलरली जो लोग लोकल ऑपरेशन रन करेंगे वो इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल भी होंगे. आप सिर्फ ऑपरेशन रन करके सब्सक्रिप्शन फीस घर नहीं ले जाएंगे, आपको सिटी बाय सिटी ऑपरेशन कंप्लायंस डिस्प्यूट भी देखना पड़ेगा. हमारी अपनी गाइडलाइंस है कि आपको ये सारी चीजें ऐसे फॉलो करनी है और कैसे ऑपरेशन रन करना. जैसे बैंगलोर को मैं फर्स्ट फ्रेंचाइजी भी बोलती हूँ कि बैंगलोर हमारा फर्स्ट फ्रेंचाइजी, जहाँ पे हम देखते हैं सारी चीजें ऑनबोर्डिंग से लेके, क्योंकि जब ड्राइवर ऑनबोर्ड होता है सिस्टम में कि वो वी चेक क्रिमिनल रिकॉर्ड, KYC सब करके एक ड्राइवर को ऑनबोर्ड करते हैं. SOS सिस्टम है इन प्लेस, इमरजेंसी सपोर्ट इन प्लेस, ये सारी चीजें जान नहीं सकती. ये हैज टू एग्जिस्ट. बट हम क्या डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं यहाँ पर कि ट्रांजेक्शन बिटवीन दिस टू पार्टी, बट सेफ्टी एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू टेक. लुक, आप कितना भी कोशिश कर लो, हम सब कर सकते हैं. इफ समथिंग हैज टू गो रॉन्ग, इट विल गो रॉन्ग, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता. बट आप उसको मिटिगेट कैसे करते हो, वो शुरू होता है जब आप ड्राइवर ऑनबोर्ड करते हो. तो एक सेट प्रोसेस होगा इन प्लेस हर सिटी के लिए जो कि यू हैव टू फॉलो, और ये सिर्फ हमारे राइड शेयरिंग स्पेस में होगा, कोई भी स्पेस हम एक्सप्लोर करेंगे उन सब के एग्जिस्ट करेगा. हमेशा एक लोकल टीम होगी, सपोर्ट टीम, जो कि सपोर्ट करेगी उस पूरे इकोसिस्टम को सिटी के लिए. अंडरस्टूड. सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं ड्राइव को बैंगलोर में या इंडिया में स्केल अप करने के? आई गेस नॉट जस्ट कि ये सेंट्रलाइज नहीं है और डिसेंट्रलाइज है, हमारा बिजनेस मॉडल भी बहुत डिफरेंट है ना, कि हमने ड्राइवर और राइडर को फ्रीडम दे दी अपने लिए चूज करने की, या फिर सब्सक्रिप्शन से सर्च प्राइसिंग नहीं है, कंप्लीट विजिबिलिटी होती है राइडर को एंड जो बुक कर रहे हैं ड्राइवर को कि किस किस्म की प्राइस है, कितने टाइम में कैब मिलने वाली है एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड मैंने कहीं पे ये भी पढ़ा था कि राइडर्स, अगर मैं बुक करता हूँ या मैं ड्राइव इस्तेमाल करता हूँ रेगुलरली, तो मैं भी पैसे कमा सकता हूँ. Exactly. That's the most interesting part of Drive, and that is something that has helped us scale faster and with less money. Humne jitna amount spend kiya, that is 10 times lesser than any other platform spending. तो क्योंकि हम कमीशन चार्ज नहीं करते, हमने सोचा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस इंडस्ट्री में, लॉयल्टी प्रॉब्लम है. मैं उबर ओला सब जगह प्राइस देखूंगी, जो कम पैसे चार्ज कर रहा है उसके साथ जाऊंगी. क्यों? क्योंकि गाड़ी वही आनी है. लेकिन हमने कहा कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों करें, कैसे करें, क्योंकि ये तो बहुत कैश इंटेंसिव बिजनेस है, क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं, पहले एक्वायर करो फिर रिटेन करो यूजर को, और हम प्राइस वॉर में नहीं जाना चाहते क्योंकि दे हैव डीप पॉकेट्स. तो हम लॉयल्टी कैसे लेके आए, एंड दैट्स वेयर वी सेड कि क्योंकि हम फेयर से कुछ नहीं चार्ज करते, हमने फेयर को दो हिस्सों में बांट दिया. 98% ऑफ द फेयर ड्राइवर को जाता है जिसने राइड की, 2% जो फेयर है वो ड्राइवर और राइडर रेफरल में बच जाता है. सो एवरीबॉडी टू बी पार्ट ऑफ ड्राइव has to have a referral in place. अगर आपका referral कुछ कोई नहीं है तो drive आपका referral बन जाता है. Now, अगर मैंने आपको refer किया, आप हमेशा जब भी ride लोगे, मुझे आपकी ride का 1% मिलेगा. Sim, और ये जो referral है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि rider ही rider को refer कर सकता है, driver rider को refer कर सकता है, और rider driver को भी refer कर सकता है. मतलब मैंने खुद driver refer किया. मतलब आप सोचो ना, आप एक Uber ride पे जा रहे हो, अगर आपने उस driver को drive पे convert कर दिया, रोज की जो वो पैसे कमाएगा उसका 1% आपको मिलने लगेगा. और हमारे पास ऐसे ड्राइवर्स हैं जिन्होंने 400-500 राइडर को रेफर किया, विच इज इनसेन, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है, कि इतना क्रेजीली यू नो ये एक्सप्लोर हो सकता है ये मॉडल, क्योंकि लोगों को समझने में टाइम लगा. बट जैसे उनको समझ में आ गया कि ये सिर्फ वन टाइम बोनस वाली बात नहीं है, ये जब भी राइड लेगा मेरे को पैसे मिलेंगे, और इट इज फॉर बोथ ड्राइवर्स एंड राइडर. लाइक मेरे को बहुत सारे पैसे मिले, मैं बहुत रेफरेंस करती हूँ ड्राइव में, टॉप रेफरेंस व्हेन इट कम्स टू राइडर्स. बट एवरी टाइम दे टेक अ राइड, आप पैसे बना रहे हो, तो आप सिर्फ खुद मोटिवेटेड नहीं हो ड्राइव यूज करने के लिए. आपने जिनको भी रेफर किया ना, आप उनसे बोलो कि भाई ड्राइव यूज कर रहा है. तो इससे क्या रहा है, नेटवर्क कम्युनिटी बना रहे हैं हम, नेटवर्क इफेक्ट बना रहे हैं, जहाँ पे सब इंसेंटिवाइज्ड है.
ड्राइवर भी और राइडर भी, और इसलिए अगर आप कभी ड्राइव राइड लेंगे बैंगलोर में, मेरे साथ ये पर्सनली हुआ है, मुझे मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे मिली नहीं है, और मैं मेरे जो कैमरा पर्सन है शिवम सिद्धांत दोनों को बताते रहता हूँ, जैसे ही ड्राइव बुक हो जाए मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज देना और वीडियो बना देना कैब में से। सो मेरे साथ ये हुआ था कि ड्राइवर ने मुझे पूछा कि मैम आपको कैसे पता चला ड्राइव के बारे में, तो मैंने कहा कि मुझे फ्रेंड ने बताया कि आप ना ड्राइव यूज किया करो क्योंकि हमें पूरे पैसे मिलते हैं। सो कभी भी आप ड्राइव ड्राइवर के साथ कन्वर्सेशन करोगे तो या तो आपको रेफरल पे डालने की जरूरत है कि मेरे आईडी से यू नो ड्राइव डाउनलोड कर लो, और आप ड्राइव यूज किया करो क्योंकि ड्राइवर को पूरे पैसे मिलते हैं, तो वो उनको बताएंगे कि भाई तुम जो गाड़ी चला रहे हो उस कंपनी को मैंने बनाया। नहीं नहीं मैं किसी को नहीं बताती। शिलिंग नहीं करते आप तो फिर आप बिल्कुल वेब 3 में नहीं हो अभी तक, शिलिंग बहुत होती है वेब 3 में। Amazing. I guess drivers and drivers are doing it for us, you know. सब कहते हैं कि drive ने drive right को marketplace बना दिया जहाँ driver refer करता रहता है कि drive use करो। Phenomenal, phenomenal. Wow. I'm really excited for Firdosh. Drive के साथ आप जो कर रहे हैं and जो चीज मुझे सबसे ज्यादा क्रिप्टो क्रांति के इस एपिसोड में पसंद आई है वो ये है कि छत्तीसगढ़ से लेके अब दुनिया के तमाम बड़े शहरों में आपके दिमाग की जो उपज है, जो आपकी आइडिया है, जो आपका बिजनेस है, ये ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी की बदौलत देयर आर नो बाउंड्रीज, पूरी दुनिया इज योर मार्केटप्लेस फॉर योर आइडिया एंड दिस इज द ट्रू क्रिप्टो क्रांति। इंडियन फाउंडर्स ऐसे सॉल्यूशंस लोकल प्रॉब्लम्स के लिए ग्लोबल यूनिवर्सल सॉल्यूशंस ढूंढ निकालते हैं जो इन्फिनिटली स्केलेबल बिजनेसेस बन सकते हैं जिसमें एवरीबडी बेनिफिट्स एवरीबडी प्रॉफिट्स। So hats off to you, hats off to the entire Drive team, to Surya, to Mudit, to everybody who's working on Drive. And I really hope and pray ki drivers ki matra badh jaye Bangalore mein. Bahut sakht zarurat hai shehar ko. All zarurat hai. And wishing you all the very best and success. And we'll see you. This was a very exciting chat mere liye. Aur Drive ka jo vision hai, which is democratizing or decentralizing mobility, puri dunya ke liye, absolutely phenomenal mission. क्रिप्टो क्रांति पे हमारी यही कोशिश रहती है कैसे न्यू एज फाउंडर्स को आप तक लाया जाए जिससे जो क्रांति आ रही है हमारे इस देश में ब्लॉकचेन वेब 3 मेटावर्स क्रिप्टो को लेके ये आपको पता चले ताकि आप भी एक्साइटेड हो एक नए फाउंडर बनने के लिए या फिर नौकरी ढूंढने के लिए अपने करियर को इस दिशा में ले जाने के लिए। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू शेयर ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों के साथ टू शेयर द क्रांति विद देम। This is Ankit signing out. Thanks so much for watching. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.